हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 8th हमारा चैप्टर चल रहा था। कौन सा? ए फोर्थ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। किसके बारे में? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमने अच्छे से क्या कर लिया था, डिस्कशन कर लिया था। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन, उसकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। क्वेश्चन आंसर को भी हमने क्या कर लिया था, अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। बट यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट जो आप सभी को है, यानी कि क्वेश्चन आंसर अभी तक वर्क स्टूडेंट्स का सबमिट नहीं हुआ है। कुछ ही स्टूडेंट्स का वर्क सबमिट हुआ है, तो एज सून एज पॉसिबल अपना वर्क जल्दी से जल्दी क्या करना, सबमिट करना। ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, या फिर डायरेक्टली बोला जाए तो फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे फ्यूल्स यानी कि जिनका हम, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल्स होते हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी कि एक बार आपने यूज कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। लाइक एज कोल को हमने यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद में क्या बन जाएगा? ऐश बन जाएगा। ऐश मीन्स टू से राख बन जाएगा। तो क्या राख से आप वापस कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते। लाइक एज अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, तो पेट्रोल को अगर हमने एक बार व्हीकल में डाल के यूज कर लिया तो उससे क्या होगी, कुछ पॉइजनस गैसेज वगैरह क्या हो जाएगी, बाहर एटमॉस्फेयर में चल जाएगी। लाइक एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इस टाइप की गैसेज क्या होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। किससे निकलती है ये? पेट्रोल वगैरह के कंबशन से। कंबशन क्या होता है? जलना। यानी कि जब हम पेट्रोल वगैरह को जलाते हैं या कोल का कंबशन करते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट हम दोबारा वापस नहीं बना सकते। यानी कि उनसे इनिशियल प्रोडक्ट या फिर इनिशियल सब्सटेंस हम नहीं बना सकते। उसको क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। हमारा फिफ्थ चैप्टर भी कुछ इसी के बारे में डिनोट कर रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम। यानी कि कोल कैसे बनते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, हमारे एटमोसफेयर के लिए कैसे हार्मफुल होते हैं। सेम एज लाइक एज पेट्रोलियम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, कहाँ यूज होता है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो इन सब के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी अपना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, यानी कि कोल और पेट्रोलियम। सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, कोल के बारे में। कोल देखो, कोल का सबसे पहले तो यूज देखते हैं। जैसे अपना सूरतगढ़ के अंदर क्या है, थर्मल पावर पॉइंट, थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, पावर प्लांट है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोल को बर्न करके ही क्या बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। कोल को बर्न करके ही क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। अब उसी टाइप के अंदर जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम वगैरह को भी अपने क्या करते हैं, बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो जिसके थ्रू क्या किया जाता है, यानी कि हम यहाँ के जो व्हीकल्स वगैरह है, इनके अंदर इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब कोल का और क्या क्या यूज होता है, तो देखो कोल के और भी काफी टाइप के अंदर यूजेज होते हैं। काफी जगह इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। एज ए फ्यूल यानी कि मतलब जैसे अगर देखो एलपीजी है, तो एलपीजी भी क्या है, हमारा एक फ्यूल है, ठीक है, एलपीजी भी क्या एक फ्यूल है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, देखो नाम में क्या आ रहा है, पेट्रोलियम गैस, तो पेट्रोलियम गैस ये कहाँ से मिलेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेट्रोलियम से मिल रही है, डीजल हो गया, ठीक है, या फिर अदर कुछ थिंग्स होगी, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, ये सारी की सारी थिंग्स कहाँ से मिलती है हमें, पेट्रोलियम वगैरह से मिलती है। कोल, कोल भी कितने टाइप के अंदर होते हैं, तो मेनली फोर टाइप के अंदर होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि मोस्टली यानी कि फोर टाइप के अंदर होते हैं, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम, इन सब के बारे में अपने आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि इन फॉसिल फ्यूल्स का जब एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है, कोल का और पेट्रोलियम का जब एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज हो रहा है, तो हमारे एटमोसफेयर के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है हमारे नेचर के ऊपर, इफेक्ट पड़ता है इसका हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, इन सब के बारे में क्या, इन सब के ऊपर क्या पड़ता है, इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब मेनली जो ध्यान में देना, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज बोला जाता है बेटा संसाधन को, संसाधन यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, ये दो टाइप के अंदर होते हैं, एक तो होता है नेचुरल होता है और एक कौन सा होता है, मैनमेड होता है। नेचुरल कौन से, जो हमें अर्थ से या फिर डायरेक्टली नेचर से हमें जो मिलते हैं उनको नेचुरल बोला जाता है। लाइक एज कोल है, तो कोल क्या है, नेचुरल है, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह, तो ये भी क्या है, किसके अंदर आते हैं, नेचुरल के अंदर आ गया, ठीक है। मैनमेड होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि मतलब क्या होते हैं, मैनमेड वगैरह होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मैनमेड रिसोर्सेज बोला जाता है, या नेचुर जो नेचर से मिलते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। कुछ अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एयर हो गया, सोइल हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया,
वाटर हो गया, ये सारे किस में आते हैं, नेचर में, नेचुरल में आते हैं, और कुछ ऐसे ही अनदर कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो किसके अंदर आएंगे, मैन मेड में आते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब जो नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं ये मेनली ये भी कितने टाइप के अंदर होते हैं, टू टाइप के अंदर होते हैं, इन हेक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्स हेक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन हेक्सटेबल कौन से होते हैं, प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोला जाता है, इन हेक्स हेक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि लाइक है, जैसे देखो सनलाइट है, ठीक है, तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, सनलाइट हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, सोइल हो गया, एयर हो गया, तो ये सारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और इनको किस में रखा जाता है, इन हेक्सस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में रखा जाता है। दूसरा आता है एक्स हेक्सटेबल, जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, लाइक एज कोल, कोल क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, पेट्रोलियम, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, अपने कंटिन्यू इसका क्या करते जा रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए या पर्सनल यूजेज के लिए हम इसका क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, यानी कि काफी टाइम, काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर इसका एग्जॉस्ट किया जा रहा है, इनकी अबोव लिमिट यानी कि मोर देन अवर यूजेज भी अपने इसको क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे नेचर के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैड इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से नेचर खुद को बैलेंस करने के लिए अलग अलग टाइप के मीन्स क्या होता है, यानी कि जो डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्रिएट करता रहता है। लाइक है, जैसे अगर देखें, अगर अपने क्या है, साइक्लोन्स बन रहे हैं, तो साइक्लोन क्यों बनते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब हमारे एटमोसफेयर के अंदर यानी कि जो एयर के अंदर जो प्रेशर का क्या होता है, एयर और वाटर में जब प्रेशर क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उनको बैलेंस करने के लिए क्या क्रिएट होते हैं, साइक्लोन। जैसे अगर अपने श्रीगंगानगर की बात करें, SGNR, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में अपने जो 30 डेज हैं, तो 30 डेज में से 27 डेज अपने यहाँ पर क्या चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, ठीक है, ये क्या इफेक्ट है, तो इट मीन्स यानी कि यहाँ पर जो इम्बैलेंसिंग का जो पर्पज है वो क्या ज़्यादा है। रीजन क्या होता है कि समर के अंदर क्या होता है, समर टाइम के अंदर नून के टाइम में क्या होता है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, ऊपर चली जाती है, यानी कि प्रेशर यहाँ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फिर क्या चलती है, आंधियां चलती है। ओके स्टूडेंट्स, इन हेक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा कौन सा होता है, एक्स हेक्सटेबल यानी कि जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, इस टाइप के, यानी कि किसके अंदर आते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये किस में आते हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो अब देखो फॉसिल फ्यूल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। मेनली इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कोल और क्या आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं। ये बनते कैसे हैं, जो एंशियंट टाइम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स थे, उनके डेड होने की वजह से उनके जो मतलब बॉडीज थी वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही है, ठीक है, और कंपोज होकर, डिकम्पोज होकर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, कोल और पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल क्या होते हैं बेटा, जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो पहले के टाइम के अंदर जो जानवर थे, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाए, जैसे ट्रीज वगैरह हो गए, तो इन सबको बोला जाए, तो यानी कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते गए, और डिकम्पोज होकर क्या क्रिएट करते गए, यानी कि फ्यूल क्रिएट करते गए, जिसको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल, यानी कि उनके ऑर्गेनिज्म से, यानी कि उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, यानी कि जो मतलब क्रिएट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। क्या ये रिसोर्सेज, बुझो यहाँ पूछ रहा है कि क्या ये रिसोर्सेज अपने फॉर एवर यूज कर सकते हैं, नहीं, क्या है कि अपने इसको फॉर एवर नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम के अंदर अपने देख रहे हैं पॉपुलेशन का इंक्रीज, यानी कि पॉपुलेशन जो हो रही है ट्रिमेंडस रेट पर, यानी कि बहुत तेजी से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उनकी डिमांड जो रहती है रिसोर्सेज को लेकर, जो डिमांड रहती है वो भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब जैसे जैसे डिमांड ज्यादा होती जाएगी, तो ज्यादा डिमांड होने की वजह से क्या होगा, रिसोर्सेज को भी एग्जॉस्ट यानी कि ज़्यादा निकाला जाएगा, नेचर में से ज़्यादा लिया जाएगा, और एक टाइम आने पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड अमाउंट में है, और लिमिटेड अमाउंट में एक टाइम पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जब वो एक टाइम पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट
होगी, ठीक है। तो ये फॉर एवर यानी कि अपने क्या होता है, इनको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनको एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर और हमें भी यानी कि अलर्ट होकर ही इनको यूज करना चाहिए, जितनी अमाउंट के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है उतना यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम किसी होटल पर जाते हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक वाटर का गिलास लिया, ठीक है, हमने वाटर पूरा डाल लिया, ठीक है, लेकिन अपने क्या सारा वाटर यूज करते हैं क्या, नहीं करते, सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट का अंदर ही हम उस वाटर को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बाकी का जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसको गिरा दिया जाता है। तो वो क्या होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को क्या किया गया, वेस्ट किया गया। ये तो हमने एक गिलास का एग्जाम्पल लिया, यहाँ अगर पूरे इंडिया की बात की जाए या फिर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, तो ऑल पर डे के अंदर आप खुद सोच सकते हो कि कितने अमाउंट के अंदर वाटर वेस्ट होता होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, एज्यूम दैट द, अब फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के जो एग्जॉस्ट किए जाते हैं नेचुरल, लाइक है जैसे मैंने आपको बताया था, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट वगैरह, उन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बनते कैसे हैं, तो डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि मान लो पहले कोई जानवर था, ठीक है, उस जानवर की क्या हो गई, डेथ हुई, और डेथ होकर वो उसके ऊपर धीरे धीरे क्या आती चली गई, लेयर्स आती गई, और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए, कोल और पेट्रोलियम यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। तो रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। ओके स्टूडेंट, अब अपने किसके बारे में ध्यान देते हैं, देखना कोल के बारे में, कि जो कोल होता है, ठीक है, यानी कि इस टाइप का जो कोल है, कोल के बारे में बेसिक जो उसकी फिजिकल अपेयरेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कौन से कलर का होता है, ब्लैक ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक का ग्रेइश कलर का रहता है, ठीक है। यू हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट द, इट इज़ हार्ड एज ए स्टोन, यानी कि ये हार्ड होता है काफ़ी ज़्यादा, ब्लैक इन कलर होता है, कलर इसका ब्लैक रहता है, स्टोन की तरह ये काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, हार्ड रहता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, ठीक है, फूड बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, यानी कि पहले के जो रेलवे इंजन्स थे वो किसके थ्रू चलते थे, कोल के थ्रू चलते थे। आज भी कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि कोल के थ्रू चलती है, टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, ठीक है, यानी कि उससे क्या किया जाता था, स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी, मीन्स टू से भाप प्रोड्यूस किया जाता था, और उसकी हेल्प से इसको रोटेट किया जाता था। थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एज अपना एग्जांपल है क्या, सूरतगढ़ हो गया जैसे, ठीक है, और वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो किसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोल की थी, कुछ इस टाइप का ये हमारा कोल दिखाई देता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, हार्ड स्टोन होता है, मेनली कितने टाइप के अंदर होते हैं, फोर टाइप्स के अंदर होते हैं, काफ़ी जगह यूज होता है, फूड में, ट्रेन के इंजन्स के अंदर, स्टीम बनाने के अंदर, और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के अंदर, और काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब अपने देखते हैं कि कोल की स्टोरी क्या है, क्या कोल बना कैसे है, उसके बारे में अपने क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो देखना बेटा, कोल कैसे बना है, अबाउट एट 300 मिलियन ईयर्स है, यानी कि आज से 300 मिलियन ईयर यानी कि साल पहले क्या हुआ कि जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, अब ये क्या हुआ, सरफेस पर यूं घूम रहा था, ठीक है, यानी कि ये सरफेस थी, इस सरफेस के ऊपर घूम रहा था, या फिर जैसे अगर मान ले कि ये ट्रीज थे, ठीक है, तो ये जो सरफेस के ऊपर ट्रीज वगैरह थे, ठीक है, या ट्रीज था, या फिर क्या बोलें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म था, अब इनके क्या हो गए, डेड हो गए, ठीक है, किसी ना किसी वजह से क्या हो गई, ये डेड हो गए, यानी कि गिर गए, ठीक है, पेड़ गिर गए, या फिर इसकी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से धीरे धीरे इनके ऊपर क्या आने लग गई, लेयर्स आने लग गई, ठीक है। अब धीरे धीरे ऊपर क्या होने लग गई, डिफरेंट टाइप की लेयर्स आने लग गई, अलग अलग लेयर्स आनी शुरू हो गई। अब ये जब इनके ऊपर धीरे धीरे काफ़ी टाइप से क्या आने लग गई, लेयर्स आनी शुरू हो गई, जैसे अलग अलग लेयर्स इनके ऊपर बनती चली गई सॉइल की, सैंड की, और जब काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर लेयर्स वगैरह क्या होती चली गई, क्रिएट होती चली गई, तो उस क्रिएट होने की वजह से जब इनके ऊपर क्या लगेगा, अब प्रेशर क्या लगेगा इनके ऊपर, इनके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और जब इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगने की वजह से देखो, जैसे जैसे अपने नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर भी क्या होगा,
इंक्रीज होगा। अब जब इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सेकंड थिंग ऊपर से प्रेशर भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, ध्यान में रखना किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ये मैं सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, सरफेस यानी कि जैसे अपनी जिस सरफेस पर रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि ये इसके ऊपर क्या लगने लगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर लगने लगा। और जब काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये किसके अंदर, यानी कि ये वाले जो रिमेनिंग जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, ये किसके अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो गए, कोल्स के अंदर। कोल में क्या होने लग गए, कन्वर्ट होना क्या हो गए, शुरू हो गए। ठीक है, एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, धीरे धीरे कंप्रेस होते गए, टेम्परेचर ज़्यादा होता गया। ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू द कोल। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कोल के अंदर। और कोल जो होते हैं वो मेनली किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना स्टूडेंट, जो मेनली जो कोल होता है, ठीक है, जो कोल होगा वो मेनली किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होंगे, कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, कार्बोनाइजेशन सिंस इट वॉज फॉर्मड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल। इसको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ध्यान में रखना स्टूडेंट, जो कोल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, यानी कि जिनको अपने दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जिनको एक बार यूज कर लिया तो आप उसको दोबारा नहीं बना सकते, उसको क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।